चर्चा गिरिडीह में कल ये भी हो रहा था कि जयराम जी छोड़ दिए हैं, अब देखिए आप प्रचार कहीं नहीं कर रहे हैं, कुछ हुआ है लगा। फिर कल देखिएगा, कल जो चर्चा कर रहे थे कि गिरिडीह हम छोड़ चुके हैं, उनके जुबान पर बस एक ही नाम होगा, जयराम जयराम जयराम। तो लोग बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जयराम महतो खुद चुनाव लड़ने के लिए कई लोगों से बड़ा साठगांठ किए हैं, क्योंकि बाघमारा जो है वो गिरिडीह में पड़ जाता है और बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो हैं, तो आप उम्मीदवार वहाँ कमजोर दे दिए, 1 लाख जी को दिए, तो पूछ रहे हैं कि 1 लाख में कितना लाख मिला है। 8 सीट पर आप उम्मीदवार उतारे हैं, कितने सीट पर लग रहा है कि आप लोग निकल पाएंगे या टक्कर में भी रहेंगे? अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हमें लगता है कि 3 सीटों में हमें रिजल्ट की स्थिति में है और निकाल लेंगे। कौन कौन सा दिन? जमशेदपुर में भी आप उम्मीदवार नहीं दिए, लोग बोल रहे हैं क्या विद्युत वरण महतो से कोई सेटिंग है? नहीं नहीं, उनसे कोई सेटिंग नहीं, जमशेदपुर एक्चुअली एक अलग रूट हो जाता है। देखिए सनी भाई, आपको प्रैक्टिकली कहना चाहेंगे, क्योंकि निर्मल जी के उसमें गए थे आप, तो आप तो वहाँ बड़ा लंबा भाषण देकर आए थे। रोड मैप से, विजन से, नए नए आइडियाज से झारखंड की तस्वीर बदलेगी। लोग पूछ रहे हैं कि कैसे विश्वास करें, आपके पास कोई अनुभव नहीं है। उम्मीदवार जो उतारे आप सबके नॉमिनेशन में जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने इलाके को छोड़ दिए हैं, वोटरों से कट जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग रात को जाएंगे अपने इलाकों में, हम लोग अभी 3 घंटा सोते हैं सनी भैया, रात को सेंधमारी करने जाते हैं, 3 घंटा मात्र सोते हैं, रात को सेंधमारी नहीं, रात को मिलते हैं लोगों से। और जहाँ गिरिडीह में आप गाँव में लगातार घूम रहे हैं, लेकिन शहर में कल मैं वहाँ के लोगों के मन टटोल रहा था, तो आपके नाम का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि अच्छा है लेकिन अभी संघर्ष करने की जरूरत है, इस बार उतना कमाल नहीं कर पाएंगे जरा। लेकिन इतना घूम रहे हैं आप, हम भी गए गिरिडीह गए आए, तो रोज तो 5,000 खर्चा हो जा रहा है, आप इतना घूम रहे हैं कहाँ से पैसा ला? देखिए हमने पॉकेट में रखा है, बार बार मत गनाइए। जनता आती है, जनता हमें अपना प्रेम देती है और जनता के धनबल से हम लोग चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ JBKSS और JLKM के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा से प्रत्याशी जयराम महतो हैं, जो हजारीबाग आए हैं, हजारीबाग से इनके जो प्रत्याशी हैं संजय मेहता, उनके नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए आए थे। जयराम जी आप लगातार कल चतरा में थे, आज हजारीबाग में हैं, फिर कोडरमा जाइएगा, कल तो आपका भी नॉमिनेशन है, क्या माहौल देख पा रहे हैं जहाँ कहीं भी आप उम्मीदवार दिए हैं? देखिए माहौल अच्छा है, गर्मी में भी लोग आ रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा विशाल रैला चल के आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं वोट में तब्दील होगा। तो ये हर जगह रैला देखने को मिल रहा है, या फिर लग रहा है पछतावा कि अधिक उम्मीदवार खड़ा कर दिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर बाद में इसका नुकसान उठाना पड़े? हाँ देखिए, उम्मीदवार तो हम लोग मानते हैं कि हमारी जो क्षमता है उससे ज़्यादा हम लोग आए हैं मैदान में, इसलिए आए हैं ताकि सबको अवसर मिले और सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, और हम लोगों ने सबको अवसर दिया है, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा है, तो उम्मीदवार तो इतने बनते हैं। इतने उम्मीदवार जो उतारे आप सबके नॉमिनेशन में जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने इलाके को छोड़ दिए हैं, वोटरों से कट जा रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग रात को जाएंगे अपने इलाकों में, हम लोग अभी 3 घंटा सोते हैं सनी भैया, रात को सेंधमारी करने जाते हैं, 3 घंटा मात्र सोते हैं, रात को सेंधमारी नहीं, रात को मिलते हैं लोगों से, और जहां दिन में कार्यक्रम होता है वहां दिन में मिलते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है झारखंड की तस्वीर इस बार बदलेगी। कैसे बदलिएगा? रोड मैप से, विजन से, नए नए आइडियाज से झारखंड की तस्वीर बदलेगी। लोग पूछ रहे हैं कि कैसे विश्वास करें, आपके पास कोई अनुभव नहीं है? देखिए अनुभव नहीं है, ठीक है मानते हैं अनुभव नहीं है, तो जो लोग अनुभवी हैं हमारे साथ आने में क्या दिक्कत है? हमने कभी कहा कि हम लोग स्वयंभू हैं, हमने तो सहर्ष स्वीकार किया कि जो लोग शिक्षा पर पकड़ रखते हैं हम पे शिक्षा नीति पर हमें गाइडलाइन करें, जो माइंस की चीज़ों को जानते हैं वो हमें माइंस की पॉलिसी पर गाइडलाइन करें, हमने तो सहर्ष स्वीकार किया कि हम लोग लर्नर हैं और आप हमें सिखाएं, आप हमारा कान भी पकड़ें, अगर हमसे अनुभवी हैं तो हम लोग, चूंकि हमें एक कथन याद आता है पंडित नेहरू का, जब एक किसी शिलान्यास में आवे थे और एक किसी महिला ने उनके कलर को पकड़ने का काम किया था और उनसे पूछा था कि नेहरू आज़ादी से हमें क्या मिला, तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपको इतना मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री का कलर पकड़ सकते हैं और उसे रे नेहरू करके बुला सकते हैं। तो आज जयराम महतो भी कहता है जो हमसे आयु में पकड़े, बिल्कुल हमें कान पकड़ कर हमें सिखाएं कि हमसे यहाँ भूल हुई, ये चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए, हम लोग स्वीकार करेंगे। 8 सीट पर आप उम्मीदवार उतारे हैं, कितने सीट पर लग रहा है कि आप लोग निकल पाएंगे या टक्कर में भी रहेंगे? सनी भाई अगर जब लोग उम्मीदवार उतारते हैं ना तो लोग ये तो चाहते हैं कि जहां उतारे वहीं जीते हैं हर जगह, लेकिन फिर भी अगर चाहने और होने में अंतर है। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हमें लगता है कि 3 सीटों में हमें रिजल्ट की स्थिति में है और निकाल लेंगे। कौन कौन सा 3? अभी सस्पेंस में रहने दीजिए, 3 सीटें, क्योंकि हो सके विपक्षी लोग वहां डेरा डाल दे, 3 सीट एकदम दिल से कह रहे हैं हम लोग निकाल लेंगे। गिरिडीह में क्या स्थिति है आपकी? गिरिडीह में आप जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए और गिरिडीह में आपको ये पता चलेगा कि उस ग्राउंड रिपोर्टिंग में जो बाकी प्रत्याशी हैं वो अब उस 2 दिन का इंतजार कर रहे हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी कि जब हम लोग धनबल का प्रयोग करेंगे, वे लोग सरेंडर मार चुके हैं।
आज देख सकते हैं वे लोग सभाओं में नहीं जाते, अब बस केवल वो प्लानिंग करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, मेरे जनता के बीच जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि जनता विरोध कर रही है, जनता उन्हें सुनना ही नहीं चाहती है, तो इसीलिए अपने कैडर के साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि कैडर तो भाई सबका भक्त होता है, तो अब कैडरों के साथ केवल बैठ रहे हैं बाकी प्रत्याशी, जनता के बीच पूछिए कि कई संबोधन उनका दिखाई हमको सोशल मीडिया में कि हाँ इस बार हम जाएंगे तो इन चीज़ों पर बात करेंगे, हम प्लान पर बात करेंगे, हम प्रदूषण पर बात करेंगे, हम कोयला पर बात करेंगे, हम विस्थापन पर बात करेंगे, हम बेरोजगारी पर बात करेंगे, एक भी उनका 10 मिनट का हमको संबोधन दिखाई जो भी प्रत्याशी हैं वो केवल और केवल कैडर मीटिंग कर रही है, यानी कह सकते हैं ग्रीडी के ग्राउंड से वे लोग हट चुके हैं, वे इंतजार कर रहे हैं उन 2 दिनों का, उन 2 रातों का जब गेम को खेला हवे के टर्म में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन इस बार खेला जोरदार होगा और उस खेल में एक नए खिलाड़ी का उदय होगा। ओपिनियन पोल में भी निर्दलीय उम्मीदवार को बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जनता का प्रेम कि आज दिल्ली में भी इस बात को स्वीकारा है कि ग्रीडी से बेहतर स्थिति में हम लोग हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन आप अपने भाषणों में लगातार एक चीज बोल रहे थे कि जो मौजूदा सांसद हैं उनका कोई चेहरा, आप अपने लोकल लैंग्वेज में कुछ बोल रहे थे कि देखा है क्या, वो जवाब भी दिए और बोले कि आप अपनी माँ से पूछ लीजिएगा कि वो चेहरा देखे हैं कि नहीं देखे, वो देखी हैं कि नहीं, किस तरह से जब आपकी माँ बीमार थी तो इलाज वही करवाए थे, इसका मतलब तो आप क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए हैं। वो देखिए मैंने स्पष्ट कहा है कि अगर आप क्षेत्र के जो भी सांसद हैं, जो भी क्षेत्र के विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उस क्षेत्र में कोई समस्या होगी तो उनके साथ जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब इतना सा कर लिए और इतना सा खा गए और आप बोलेंगे आप हमारा समर्थन करें। मैंने हमेशा कहा कि काम इन्होंने किया होगा, दोनों ने किया है, तीनों ने किया है, सब ने किया है, लेकिन जितना आपको करना चाहिए आपने उतना नहीं किया, ठीक है आपने जनता के लिए किया, लेकिन आपने उसके अलावा अपने परिवार के लिए कितना किया ये भी हिसाब दीजिए। आप सांसद पत्नी विधायक वाह, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये संदेश दूंगा कि सत्ता की केंद्रीकरण के पक्षधर कभी मत होइएगा, संपत्ति का केंद्रीकरण का पक्षधर कभी मत होइएगा, क्रोनी कैपिटलिज्म का पक्षधर कभी मत होइएगा, नहीं तो 20 साल बाद जो गुलामी आएगी वो अंग्रेजों से बदतर होगी। आप अपना टक्कर किससे देखते हैं? वर्तमान सांसद से ही है, मतलब मथुरा जी को कहीं नहीं देखते? नहीं, वो चूंकि अपने क्षेत्र से बाहर कभी गए नहीं है, किसी कार्यक्रम में नहीं गए हैं। जगन्नाथ बाबू जो थे श्रद्धेय स्वर्गवासी, वो अपने विधानसभा के अलावा 2-3 विधानसभा में प्रभाव रखते थे, इसीलिए वो टक्कर में रहते थे, लेकिन आदरणीय जेठाश्री वो अपने क्षेत्र से बाहर गए नहीं है, तो सांसद और हमारी टक्कर सीधी है। तो लोग बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जयराम महतो खुद चुनाव लड़ने के लिए कई लोगों से बड़ा साठगांठ किए हैं, क्योंकि बागमारा जो है वो गिरिडीह में पड़ जाता है और बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो हैं, तो आप उम्मीदवार वहाँ कमजोर दे दिए, 1 लाख जी को दिए, तो पूछ रहे हैं कि 1 लाख में कितना लाख मिला है? नहीं देखिए, पैसा किसी से नहीं लिया ना लेंगे हम लोग, तो देख रहे हैं आपको चंदा दिखा दिए कि लोग हमें चंदा दे रहे हैं चुनाव के लिए, नॉमिनेशन के लिए, रैलियों के लिए, और हम लोग बिल्कुल भी न्यू पॉलिटिक्स करने आए हैं, पैसा से किसी से बात नहीं करेंगे, और ये केवल एक आरोप है, मनगढ़ंत कहानी है जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। जमशेदपुर में भी आप उम्मीदवार नहीं दिए, लोग बोल रहे हैं कि आप विद्युत वरण महतो से कोई सेटिंग है? नहीं नहीं, उनसे कोई सेटिंग नहीं, जमशेदपुर एक्चुअली एक अलग रूट हो जाता है। देखिए सनी भाई, आपको प्रैक्टिकली कहना चाहेंगे, क्योंकि निर्मल जी के उसमें गए थे आप, तो आप तो वहाँ बड़ा लंबा भाषण देकर आए थे। जी हम लोग वहाँ जो जमशेदपुर के जिला कमेटी है, कोल्हान प्रमंडल की कमेटी है, उनके जिम्मेवारे सौंप दिए हैं कि आप प्रत्याशी का नाम दें, हम लोग घोषणा करेंगे, वो उनके उन पर डिपेंड करता है। तो गिरिडीह में आप गांव में लगातार घूम रहे हैं, लेकिन शहर में कल मैं वहाँ के लोगों के मन टटोल रहा था, तो आपके नाम का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि अच्छा है लेकिन अभी संघर्ष करने की ज़रूरत है, इस बार उतना कमाल नहीं कर पाएंगे जयराम जी। नहीं देखिए, चूंकि वो सदर है, देखिए मैं स्वीकार करता हूँ कि गिरिडीह का जो सदर है वहाँ हम लोग बहुत कम पहुँचे हैं, अभी प्रचार नहीं किए हैं, किए हैं लेकिन कम हुआ है, तो अतः उन लोगों के विचार को पहले मैं स्वागत करता हूं, जो भी हमारे जनता है वो मेरे पक्ष में हो विपक्ष में, मैं कभी जनता के खिलाफ नहीं होता, जनता का हम नमस्कार करते हैं, लेकिन चूंकि वो जनता उस क्षेत्र की है जिस क्षेत्र में हम कभी गए नहीं है, लेकिन उस सदर की जनता से वहाँ मान के चलिए कि पॉपुलेशन क्या होगा, हार्डली 1.25 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, तो 1.5 लाख जनता की ओपिनियन से आप गिरिडीह के 17 लाख की जनता का ओपिनियन नहीं ले सकते हैं। आप चले जाइए डुमरी में, आइए आप नावाडी आइए, आप ऊपर घाट चले जाइए, आप पारसनाथ के पहाड़ों में चले जाइए, आप झुमरा के पहाड़ों में चले जाइए, आप लुगुबुरु के पहाड़ों में चले जाइए, आप दामोदर नदी के किनारे किनारे चले जाइए, वहाँ तो जयराम का ही चर्चा है, चर्चा हमारा ही है। तो मैं मानता हूँ इस सच्चाई को, गिरिडीह का जो सदर क्षेत्र है वहाँ अभी भी हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, और अभी 20-25 दिन है, हम लोग इतना बेहतर मेहनत करेंगे कि वो रुझान भी हमारे पक्ष में आएगा। नहीं, चर्चा गिरिडीह में कल ये भी हो रहा था कि जयराम जी छोड़ दिए हैं, अब देखिए आप प्रचार कहीं नहीं कर रहे हैं, कुछ हुआ है लग रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हम कल चतरा गए थे, आज हजारीबाग में, फिर कल देखिएगा, कल जो चर्चा कर रहे थे कि गिरिडीह हम छोड़ चुके हैं, उनके जुबान पर बस एक ही नाम होगा, जयराम जयराम जयराम। क्या तैयारी है नॉमिनेशन की? नॉमिनेशन की तैयारी मुझे लगता है ऐतिहासिक होने वाली है, गांव-गांव से एक चर्चा आ रहा है, मैं अपना चूंकि मैं युवा हूँ, थोड़ा सा हम लोग आत्मबुद्धता से नहीं बच पाते हैं, फिर बचने का कोशिश करते हुए कहना चाहेंगे गांव में ये चर्चा है
कि हम लोग कुछ लोग आज भी जिंदा हैं जो विनोद बाबू के कालखंड के हैं। वो कह रहे हैं कि विनोद बाबू के बाद हम लोग अपने घर से खर्चा पानी उठा के अपने पैसे से गाड़ी करके अपने पैसे से मुढ़ी खजार लेके जयराम के नामांकन रैली में जाने वाले हैं, ये गांव से चर्चा है। लेकिन इतना घूम रहे हैं आप, हम भी गए गिरिडीह गए आए तो रोज तो 5,000 खर्चा हो जा रहा है, आप इतना घूम रहे कहाँ से पैसा ला रहे? देखिए हमने पॉकेट में रखा है, बार बार मत गनाइए। जनता आती है, जनता हमें अपना प्रेम देती है और जनता के धनबल से हम लोग चलते हैं और फोन पे भी कभी कर देती है। कभी देखिए अभी लिफाफा में अपना नाम तक नहीं लिखे दोनों दंपति, तो पति पत्नी थे आए लिफाफा देके चले गए कि बाबू मतलब लिफाफा दिखा सकते हैं। लिफाफा मिला लिफाफा, हाँ देखिए लिफाफा, ये लिफाफा है, इसे लिफाफा में पैसा बंद करके लोग बंद करके दे, देखे नाम भी नहीं लिखे हैं। ऐसे ब्लाइंड सपोर्टर नहीं मिलेंगे भैया, कोई अगर 5 रुपए देता है तो क्रेडिट लेता है, इस लिफाफे में 15,000 थे बताई देते हैं, लेकिन क्रेडिट लेने वाला कोई नहीं है। बस ये बोल के दिए कि पेट्रोल में खर्चा होगा, नॉमिनेशन में खर्चा होगा, तो ये जिम्मेदारी तो भी बढ़ती जा रही है। तो जिम्मेदारी बनती है, कसम से बनती है। हम लोग सच में इतने भावुक इंसान हैं कि आपको बताना नहीं चाहेंगे। आपका अपना मोबाइल दिखा रहे हैं सनी भैया, एक दिन हम सोच रहे थे कि यार अगर चुनाव जीत जाते हैं और जनता की उम्मीदों में अगर कुछ कुछ कमी रह जाएगी तो क्या एक किडनी बेचा जा सकता है? आपको मजाक लगेगा लेकिन पढ़िएगा, एक किडनी से जीने वाले लोग हम सर्च कर रहे हैं, तो ये कब का है ये भी आप दिखा दे रहे हैं, ऐसा बोलेगा कि आपके चलते आज नहीं किए हैं, एक किडनी से जीने वाले। हाँ हम सर्च कर रहे थे कि अगर बाय द वे, क्योंकि जनता बहुत प्यार कर रही है, हम भावनात्मक इंसान है, युवा है, रात तो हम लोग सोच रहे थे क्या अगर कभी जरूरत पड़ा तो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग अपने शरीर के अंग को भी बेच देंगे, मतलब उसके लिए भी तैयार। हाँ उसके लिए भी तैयार है, ये आपको दिखाने के लिए, आप सर्च के लिए, मेरा स्क्रीनशॉट आज से लगभग 15-20 दिन पहले का है। तो क्या बोल रहे हैं आप गिरिडीह की जनता को जब जा रहे हैं? गिरिडीह की जनता को हम यही बोल रहे हैं कि जो अभी के पॉलिटिशियन है उनके जो कार्य है उनसे हटके करेंगे। अभी के जो पॉलिटिशियन है आप चले जाइए, आपको हम सड़क दिखा देंगे और उस सड़क पे आप इंटरव्यू लेते माने घूमते हुए चले जाइए, आपको पता चलेगा कि यहाँ 5 एकड़ जमीन फलना का है, यहाँ 5 एकड़ जमीन फलना का है। अरे तुम ही पूरा झारखंड खरीद लो और तुम अपने आपको आप माने अपने आपको जनता के हितैषी कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक छोटा सा लड़का क्रोनिक कैपिटलिज्म पे बात कर रहा है सनी भैया, ये मीडिया में सब बात होना चाहिए कि क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या है, क्रोनिक कैपिटलिज्म किस प्रकार देश को गर्त में लेके जाएगा और हम क्रोनिक कैपिटलिज्म के समर्थक नेताओं को चुन रहे हैं। क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब सीधा है कि एकदम एक कुछ ही व्यक्ति के हाथों में सारा जमा पूंजी चला जाना, उसमें रोल किसका होगा? ब्यूरोक्रेसी का रोल होगा, मिनिस्टर्स का रोल होगा। वो कैपिटलिज्म अपने मेहनत से नहीं बढ़ेंगे, जिनको ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर बढ़ाएंगे उसी को क्रोनिक कैपिटलिज्म कहा जाता है। आज बड़का गांव में क्या हो रहा है? मिनिस्टर्स का रोल है, ब्यूरोक्रेट्स का रोल है, तभी तो अंडानी तंबू गाड़ के खड़ा है, गांव वाले जमीन नहीं देना चाहते हैं। तो आज देश की जनता स्पष्ट समझ ले, जिस उम्र में आईपीएल का चर्चा लोग कर रहे हैं, एक साधारण 29 साल का लड़का एमपी का चुनाव लड़ रहा है और क्रोनिक कैपिटलिज्म पे चर्चा कर रहा है, इससे बचिए। अगर इससे नहीं बचते हैं तो 20 साल बाद जो गुलामी आएगी अंग्रेजों से भी बदतर होगी, लोगों को अपनी किडनी निकालकर अपना भोजन खरीदना होगा। सुदेश जी तो बोल रहे हैं कि 400 फूल के बीच में एक फल रहना जरूरी है, मतलब केला रहना, तब पूजा संपन्न होगा। अब मुद्दों की बात होगी, पूजा से, पूजा का हर कोई सम्मान करता है, इबादत का भी सम्मान करता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि इबादत और पूजा से पेट नहीं भरता है। प्रैक्टिकली बात कीजिए, पूजा का सम्मान करते हैं, इबादत का भी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, भारत देश में संविधान में 10 धर्मों को मान्यता मिला है उनका भी सम्मान करते हैं, और बहुत सारे धर्म ऐसे जिनको भले मान्यता नहीं मिला लेकिन उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं किसी मैजिक से, किसी मंत्र से पेट नहीं भरता है। बात मुद्दों कीजिए जनाब, बात बेरोजगारी की कीजिए जनाब, बात महंगाई कीजिए जनाब, बात साल में 2 करोड़ नौकरियों की कीजिए जनाब, बात इस देश में बेहतर शिक्षा नीति कीजिए, बात इस देश की जीडीपी कीजिए जनाब। अब पूजा पाठ से देश को थोड़ा सा दूर रखिए, पूजा पाठ उसके आंतरिक विषय है, उसके अंदर का विषय है। वो अपने घर में गणेश जी की पूजा कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, या वाहेगुरु को सर झुका रहा है, या वो किसी पेड़ के स्थल में जाके मारंग मुरु की पूजा कर रहा है, या अपने बदन पे कांटा लेकर बूढ़ा बाबा को याद कर रहा है, वो आस्था का विषय है। उस आस्था को उस इंसान तक रहने दीजिए, राजनीति मत लेके आइए, नहीं देश बहुत नुकसान झेलेगा। इसीलिए हवाई चप्पल पर आप चले हैं, देखिए हवाई चप्पल पर ही लगातार सम्मानित डीसी मैडम के सामने इसी रूप में बैठे हैं जनाब, इस जिले की सम्मानित आईएएस पदाधिकारी के सामने इसी 200 के टी शर्ट में और हवाई चप्पल में जरा महतो बैठा है, क्योंकि हम ये संदेश देना चाहते हैं, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय, हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि जनता का नेता जनता के जैसा होना चाहिए। आज ये जनता हमारे साथ चल के आई है, 44 डिग्री का टेम्परेचर है, और अगर हम फुटानी करके आएंगे, हम रईसी करके आएंगे, तो हमें लानत है अपनी नेतागिरी पर। कल कितनी भीड़ जुटेगी वहां? देखिए आप कहना नहीं चाहेंगे लेकिन उम्मीद है, कल हम तो आग्रह करेंगे कि भले बात बोकारो के लोगों जो हमारा रूट मैप है, कृपया आप अगर कोई कार्यक्रम है तो कैंसिल कर ले, इतनी भीड़ रहेगी।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। In, like, share, and subscribe. www.thefollowup.in